पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे व शीतलहर के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते आम जनजीवन पर काफी प्रभाव हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ किसान लगातार पड़ रहे घने कोहरे व ठंड के कारण काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि काफी दिनों से किसान ठंड और बारिश का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब की बार ठंड काफी लेट शुरू हुई है। गेहूं की फसल के लिए कोहरा व ठंड बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा ठंड पड़ेगी उतनी ज्यादा गेहूं की पैदावार होगी। वहीं उनका कहना है, पिछले काफी दिनों से बारिश नहीं पड़ी, अगर बारिश पड़ जाती है तो और भी फायदा गेहूं की फसल को होता। हालांकि किसान ट्यूबवेल से पानी जरूर दे रहे हैं, लेकिन जो फायदा बरसात के पानी से होता है वह ट्यूबवेल के पानी से नहीं हो पाता। इस ठंड का जो अब शुरू हुई, लेट हुई थोड़ी सी, इस ठंड का कणक के लिए बहुत फायदेमंद है। अब फसल तो ठीक चल रही है ठंड कारण, बाकी बारिश की इंतजार है। तो बारिश अगर पड़ेगी तो फिर और भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। इस ठंड का कणकों के लिए तो ये एक किस्म से सोना बरस रही है, और जितनी ज़्यादा ठंड होगी उतनी ज़्यादा कणक की पैदावार होगी। बाकी थोड़ा सा बारिश भी हो जाए तो और कणक की पैदावार बढ़ जाएगी। तो बाकी ये जो ठंड पड़ी है काफ़ी सालों बाद देखने को मिली है ऐसी। पूरा दिन जनवरी में तो निकला ही नहीं एक दिन भी। फायदा तो उसका बहुत है, कणक के लिए तो बहुत फायदेमंद है, और काफ़ी दिनों कई साल के बाद ये ठंड पड़ी इतनी, और अभी थोड़ा बारिश की इंतजार है। बारिश पड़ी फसल और अच्छी होगी, ठंड ज़्यादा बदली है अभी, पर गेहूँ के फायदेमंद तो है, कोहरा बहुत पड़ रहा। हाँ तो गेहूँ अच्छी होगी जी। ठंड पड़ रही है ये बहुत फसलों के लिए बहुत लाभदायक है, जबकि हमारे को जितनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी इतनी ज़्यादा फायदा होगा। ये काफ़ी लेट पड़ी है, मान ली ठंड लेट आई है, पर अभी ज़्यादा है ठीक है, बहुत ज़्यादा फसल के लिए। फसल इससे फुटाव ज़्यादा करती है, बत्ती ज़्यादा है, मान ली और निकासी भी ज़्यादा अच्छी निकलती है। अगर बारिश पड़ जाए तो और भी ज़्यादा अच्छी है, इसका इंतजार बहुत ज़्यादा है।